भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय में शुक्रवार को यहां DRS प्रणाली पर एक बार फिर उस समय विवाद हो गया जब तीसरे अंपायर ने डेरिल मिशेल को पगबाधा आउट दे दिया। इससे खेल भावना पर भी चर्चा शुरू हो गई। न्यूजीलैंड के मिशेल का ये पर्दापण मैच था। कुणाल की गेंद पर विवादास्पद तरीके से वो एम्पायर के गलत फैसले का शिकार हुए, जबकि हॉटस्पॉट से जाहिर था कि ये गेंद बल्ले से लगकर पैड से टकराई। मैदानी अंपायर ने पहले उसे पगबाधा आउट दिया था, जिसके बाद उसने कप्तान केन विलियमसन के कहने पर DRS लिया। टीवी अंपायर शान हेग ने उसे आउट दिया, जबकि गेंद बल्ले से लग कर गई थी। टेलीविजन स्क्रीन पर यह साफ दिख रहा था कि गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से टकराई थी। हॉटस्पॉट ने भी इस बात की पुष्टि की, लेकिन तीसरे अंपायर हेग ने उसे आउट दे दिया। उस समय कॉमेंट्री बॉक्स में बैठे कॉमेंटेटर ने कहा, ये बड़ी गलती है। इसके बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा की मौजूदगी में विलियमसन और अंपायर से बातचीत की। मैदानी अंपायर ने हालांकि नियमों का पालन किया और मिशेल को मैदान से बाहर जाना पड़ा। मिशेल आउट होने से तभी बच सकते थे जब रोहित उन्हें वापस बुला लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कीवी टीम ने विवादित फैसले को सहजता से स्वीकार कर ये जता दिया कि उन्हें अक्सर ICC की ओर से खेल भावना का पुरस्कार क्यों दिया जाता है।